झालमुरी, जिसका नाम सुनते ही मुंह में नमकीन पानी आ जाता है, क्योंकि ये खाने में ही इतनी ज्यादा टेस्टी जो लगती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वादिष्ट चटपटी झालमुरी। अपने झालमुरी को कुरकुरी बनाने के लिए टिप्स इस वीडियो में दिया गया है, तो कृपया इस वीडियो को एंड तक देखें और जानें कैसे अपनी झालमुरी को कुरकुरी, स्वादिष्ट और क्रंची बना सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आने पर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। तो आज भोजन मंत्रा के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सादी झालमुरी, जो कि बिहार की और कोलकाता की बहुत ही फेमस रेसिपी है, जो कि जगह जगह पे सड़कों पे बनाकर एक नमकीन वाला आपको खाने के लिए देता है और आप इस झालमुरी को बड़े ही चाव से खाते हो। तो झालमुरी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है झालमुरी के मुरमुरे। ये मुरमुरे ही झालमुरी की जान होती है। अगर मुरमुरे आपके अच्छे भुने हुए हैं, मुरमुरे अगर आपके क्रंची हैं, ये क्रंची मुरमुरे होंगे तो आपकी झालमुरी बहुत ही अच्छी बनेगी। मगर झालमुरी बनाने से पहले हमें मुरमुरे को बहुत ही अच्छी तरह से भूनना होता है। झालमुरी का सारा स्वाद मुरमुरे के भुनाई पर डिपेंड करता है। जितना अच्छा ये मुरमुरा भुना हुआ रहेगा, उतना ही अच्छे स्वाद का झालमुरी आपका बनेगा। तो झालमुरी बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी इन मुरमुरों की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही में हम इसमें डालेंगे भिगोए हुए चने, जिससे कि आप भली भांति वाकिफ हैं। साथ साथ इसमें कुछ जरूरत होगी प्याज की, जिसको कि काट के हम झालमुरी में डालेंगे, और जरूरत के हिसाब से हम इसमें लाल मिर्च पिसी हुई डालेंगे और जरूरत पड़ने पे लाल मिर्च का भी यूज करेंगे। साथ साथ जब हम इस मुरमुरे को भुनेंगे तो इसमें जीरे का यूज होगा। इस झालमुरी को बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है नींबू का या फिर सरसों के तेल का। अगर तो आप झालमुरी नींबू के साथ बना रहे हैं तो स्वाद तो अच्छा लगेगा ही, मगर आप कच्चे सरसों के तेल का यूज करेंगे तो झालमुरी में जान आ जाती है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इस मुरमुरे को कढ़ाई में भुनेंगे, और भुनने के प्रोसीजर को ही ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट है झालमुरी में। तो इस मुरमुरे को भूनने के लिए हमने गैस पे कढ़ाई को गर्म कर लिया है, और इस कढ़ाई में सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। यहाँ पर एक चम्मच हम सरसों के तेल का यूज कर रहे हैं मुरमुरे को भूनने के लिए। तो हम इस गर्म कढ़ाई में सबसे पहले सरसों के तेल को डाल लेंगे। तेल हमारा गर्म होने लग रहा है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, जिससे कि मुरमुरे में एक अलग सा जीरे का फ्लेवर आता है। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, क्योंकि मुरमुरे को जब भूनेंगे तो ये लाल मिर्च का फ्लेवर मुरमुरे में जान डाल देता है। इन्हीं सब चीजों से मुरमुरे के स्वाद में एक उम्दा किस्म की सुगंध आती है। और इसमें चुटकी भर हम हल्दी डालेंगे नाम मात्र के लिए, बहुत ही हल्की। ज्यादा हल्दी का यूज नहीं करना है, बस नाम मात्र के लिए हल्दी का यूज करना है, ताकि उसमें एक हल्का सा फ्लेवर आ सके। हमें मुरमुरे में हल्दी का कलर नहीं लाना है, बल्कि हल्दी का सोंधी सोंधी सी खुशबू लानी है। तो हमने सब कुछ डाल दिया है, अब हम इस मुरमुरे को इस कढ़ाई में डाल देंगे और अच्छे से भुनेंगे, जिससे कि हमारा मुरमुरा क्रंची भी हो जाएगा और स्वाद में सोंधापन ले आएगा। और इसको अच्छे से हम मिलाएंगे। अब हम, वाह क्या खुशबू आ रही है। यहाँ पर जब आप भुनेंगे तो लाल मिर्च के जलने की तीखी गंध आपके नाक में पड़ेगी, मगर इसको थोड़ा सा आपको सहना पड़ेगा, क्योंकि यही तीखी गंध की वजह से आपके मुरमुरे में जान आएगी, तभी तो आपको टेस्ट लगेगा झालमुरी खाने का। तो इसी तरह से हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे, नहीं तो हमारे मुरमुरे जल सकते हैं। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी इस मुरमुरे को भून सकते हैं, मगर सरसों के तेल में भूनने से मुरमुरे का जो आनंदमय स्वाद मिलता है वो आपको रिफाइंड ऑयल से नहीं मिलेगा। तो ये लीजिए, मुरमुरा हमारा भून के तैयार हो गया है। ये बहुत ही ज्यादा क्रंची है। मैं आपको दिखाता हूँ ये मुरमुरा हमारा कितना क्रंची बना है। ये देखिए बिल्कुल चूर हो जा रहा है, इसका मतलब हमारा मुरमुरा बहुत ही ज्यादा क्रंची हो गया है। और जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये और भी ज्यादा क्रंची और कुरकुरा बन जाएगा। तो चलिए, हमारा मुरमुरा भुनने का प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं झालमुरी बनाने की तरफ। झालमुरी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें प्याज को काटना होगा, और प्याज को बारीक काटने के लिए हम इसके छिलके को अलग कर लेते हैं। उसके बाद हम प्याज को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। प्याज को काटने के लिए हम पहले इस तरह से प्याज को रख लेंगे, और इसमें हम
तो ये लीजिए हमारा प्याज कटके तैयार हो गया है छोटे छोटे टुकड़ों में। अब हम काटेंगे इस लाल मिर्च को। ये वो लाल मिर्च है जो कि हरी मिर्च सूख जाने के बाद लालपन में आ जाती है। हरी मिर्च डालेंगे तो उसका टेस्ट अलग होता है, मगर जब हरी मिर्च सूख जाती है और वो लालपन में आ जाती है तो इसका टेस्ट एक ऊंदा स्वाद लेके आता है। तो ये लीजिए हमारी लाल मिर्च भी कट गई। तो हमारे कटिंग के सारे काम हो चुके हैं। अब इस दोने में हम मुरमुरे को डालेंगे और सारे चीजों को मिला के एक जबरदस्त टेस्टी झाल मुरी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें मुरमुरे को डालेंगे। तो ये देखिए ये भुने हुए मुरमुरे डालिए। ये देखिए लाल मिर्च हमारी क्रंची हो गई थी और इसमें से बहुत ही सोंधी सोंधी खुशबू आ रही है। और ये देखिए कितनी क्रंची बनी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये मुरमुरा हमारा कितना क्रंची है, जब मुंह में जाएगा तो बिल्कुल कुरकुरा लगेगा और कितना स्वादिष्ट लगेगा। इसलिए इस मुरमुरे को पहले भुना जाता है फिर तैयार किया जाता है झाल मुरी। अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि मुरमुरे के अंदर जो भीगी हुई चीजें हैं, जो गीली चीजें हैं, वो सबसे आखिरी में डलेगा, जैसे प्याज। क्योंकि प्याज को अगर आप पहले डाल देंगे तो जो भुना हुआ मुरमुरा है वो सील जाएगा। प्याज को सबसे आखिरी में डालें और तुरंत सर्व करें और खाने के लिए तैयार हो जाता है वो। अब इस मुरमुरे में हम सबसे पहले डालेंगे लाल मिर्च। ये लाल मिर्च जो हमने काटी थी, जो कि हरी मिर्च सूखने के बाद लाल मिर्च में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, बहुत ही चुटकी भर, क्योंकि लाल मिर्च भी डाला हमने और इसे लाल मिर्च में भुना भी है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे भिगोया हुआ चना। आप अपने टेस्ट के अनुसार चना कम या ज्यादा ले सकते हैं। आप चने को डालने से पहले कोशिश करिए कि चने को पोंछ लें ताकि मुरमुरा आपका करारा रहे, क्योंकि चना जब भिगोया जाता है तो वो पानी से भीगा हुआ रहता है। इसलिए कोशिश करें कि चने को जब आप इस मुरमुरे में डालें तो इसे पोंछ लें किसी टॉवल या किसी कपड़े से, ताकि जब चना मुरमुरे में जाए तो मुरमुरे में सीलन ना आए। ये डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब इन सब चीजों को हम मिला लेंगे। चूंकि हम सादा झाल मुरी बना रहे हैं, इसमें ज्यादा हम कुछ भी किसी भी तरह का नमकीन का यूज नहीं करेंगे। अब इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो है सरसों का तेल। बिना सरसों के तेल के झाल मुरी का स्वाद स्वाद ही नहीं रहता है। तो ये सरसों का तेल हम डालेंगे करीब आधा चम्मच, जिससे कि मुरमुरे में जान आ जाती है। अब इस सरसों के तेल के साथ इस मुरमुरे को मिला लेंगे और फाइनली अब इसमें हम डालेंगे प्याज, जो कि आखिरी इंग्रेडिएंट है। क्योंकि प्याज को अगर पहले डालेंगे तो मुरमुरे में सीलन आ जाती है, क्योंकि प्याज में ऑलरेडी पानी होता है। तो अब आखिरी में इस प्याज को डाल देंगे और इसको फटाफट मिला करके मुरमुरे को सर्व कर देंगे और इस मुरमुरे का आनंद उठाएंगे। ये देखिए, वाह, इसकी इतनी सुंदर खुशबू है कि बस मेरे मुंह में पानी आ रहा। फटाफट मैं इसको अब लेने जा रहा हूँ खाने के लिए। और साथ साथ इस झाल मुरी की रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपकी झाल मुरी कैसी बनी। हमें पूरा विश्वास है कि आपकी झाल मुरी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनेगी। झाल मुरी को सर्व करने के लिए झाल मुरी का स्टाइल भी तो होना जरूरी है। तो ये लीजिए तैयार हो गई स्वादिष्ट झाल मुरी, और इस झाल मुरी का आप भरपूर आनंद उठाएं। साथ साथ मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।